أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله. جزاك الله. नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक की तरफ कर लिए या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिर और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताब और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, मिस्कीनों और मुसाफरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे, और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उसे वफा करें और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक़ व बातिल की जंग में सब्र करें। ये हैं रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तकी हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ ہفتے ایسی آیت پر ابتدائی گفتگو ہوئی تھی اور اس میں کہ اس آیت کا بنیادی مقصد کیا ہے تو اس کی جو آیت کی جو ترتیب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو جو یہ کہا گیا کہ نیکی یہ نہیں ہے لیس البر اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ ولکن البر بلکہ نیکی یہ ہے تو اس کا جو ہم پس منظر ہم نے جو بات کی تھی اس میں یہ تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تو یہ بحث بہت زیادہ یہود کے درمیان یہ آ گئی کہ اب پہلے اس طرف رخ کرتے تھے اور اب اس طرف رخ کرنا نہ شروع کر دیا تو یہ کیا کون سا یہ جو اس پر اعتراضات کرنا شروع ہو گئے اسلام پر تو ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ نیکی اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مشرق کی طرف منہ کر لیں یا مغرب کی طرف کر لیں تو جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا بلکہ نیکی یہ ہے پھر آگے اس کی صفات بیان کی گئیں تو آگے پھر نیکی ہے کیا اس پر ہم نے پچھلے ہفتے پہلا جو حصہ ہے اس کا کہ جو ایمان والا حصہ ہے وہ اس پر ہم نے کیا تھا کہ ولکن البر بلکہ نیکی یہ ہے کہ من جو کوئی ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر ملائکہ پر اور کتاب پر اور نبیین پر اس پر بات ہوئی تھی تو اس میں یہ ہے کہ اس کی تشریح مختلف افراد نے کی ہے اور اس پہ یہ آیت اتنی عام ہے کہ ابھی یہ میرے پاس ایک پوری کتاب ہے اس پر یہ آیت البر پر ایک پوری کتاب ہے جس پر اس پہ اسی حوالے سے اس کے مختلف جتنے موضوعات ہیں ان پر بحث کی گئی ہے یہ ایک انداز ہے یہ بہت ہی انتہائی اہم بات جب شروع کرتے ہیں جی تو وہ لا سے شروع کرتے ہیں جی لا نفی جنس جی لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود بالکل نیکی یہ نہیں ہے اس طرح سے یعنی چونکا دینے والا انداز جو ہے نا
ये बहुत सारी वमन यकफर बे तागूत से कहा गया कि जो तागूत का इनकार करे, और उसके बाद फिर ईमान की बात की गई यौम बिल्ला के तागूत का इनकार करे कि जो जो हर वो फर्द या ताकत जो अल्लाह की बंदगी से हटाती हो उसका इनकार करे पहले, इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह की बात अभी की गई। तो इसी तरह ये हमने पिछले दर्स में जो बात की थी कि सूरतुल मुदस्सर की इब्तदाई आयत इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला हुक्म दिया गया कि उन्होंने काम क्या करना है, तो उसमें भी पहले ये बात है कि कौम फअनज़िर लोगों को ख़बरदार करें कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, और उसके बाद रब्बका फकब्बिर की बात आती है। तो इसी तरह है, इस तरह हम मिसाल अगर दें, हमें अपनी चूँकि तालीम के शोबे से ताल्लुक है कि कोई स्टूडेंट हो और वो इम्तिहान की तैयारी करने के लिए कोई एक किताब का कुछ हिस्सा उसको मिल जाए और उसी को पढ़ता रहे कहकर इम्तिहान सारा इसी में से होगा, तो उसको हम कहें कि ये तो सारा नहीं है बल्कि ये है कि तुमने ये सारा निसाब पढ़ना है। तो ये कैफियत इस आयत के साथ भी है। तो आगे जो ये है कि नेकी है क्या, उसके अलवाजमात जो कह रहा है ईमान, उसके हवाले से बात की गई। इसके कुछ लोगों ने छः हिस्से किए हैं इन जो नेकी है क्या। तो पहला उसका ईमान, दूसरा अल्लाह की मोहब्बत में मुश्तक अफराद को अपना पसंदीदा माल देना, तीसरा नमाज, चौथा ज़कात, पांचवा अहद को पूरा करना, और छठा मुसीबत और सख्ती और जिहाद में सब्र करना। ये इससे किए गए। ये जो किताब अभी आपको मैंने दिखाई है ये आयतुल बैर पर ये किताब है, तो इसमें इसने उन्होंने उसके चार हिस्से किए, ईमान, इनफाक, और इनफाक के अंदर फिर उसकी तफसीलात हैं कि कहाँ खर्च करें, और तीसरा माशरती तलकात, माशरती तलकात में नमाज और ज़कात भी आ जाती है उन्होंने की उसमें, और अहद को पूरा करना वो भी आ गया, और चौथा फिर सब्र व इस्तकामत है। इसमें जो डॉक्टर स्टार साहब ने भी लिखा एक किताब, उनकी भी इस पर है मुख्तसर से बुकलेट, शायद उनकी तकरीर है और उन्होंने उस पर बहस की है, तो वो के उस पर इस्तदलाल करते हैं कि ये जो सूरत अल असर और इसके दरमियान वो मुताबिकत कायम करते हैं। तो वो कहते हैं कि जी इसमें जिस तरह सूरत अल असर में कहा गया कि जो इंसान लफी खुसर इल्लज़ीना आमनू, तो उसमें पहला जिक्र है ईमान का, तो वहाँ पर ईमान सिर्फ ईमान का जिक्र है, और यहाँ पर फिर उस ईमान की तफसील आ जाती है इस आयत के अंदर कि अल्लाह पर ईमान है, यौम आखरत पर ईमान है, मलाइका पर और किताबों पर ईमान है, नबी जीन पर ईमान है। तो वो उसको कहते हैं कि ये इस तरह है कि जैसे एक सूरत अल असर की हैसियत ऐसी है कि जिस तरह एक कली होती है जिस वो अभी फूल नहीं बनी होती उसकी वो कैफियत है, और जब वो फूल बन जाती है तो उसकी पत्तियाँ सामने आ जाती हैं, तो ये एक पाँच ईमान के जो है पाँच जो है वो एक पेटल्स की सूरत में वो सामने आ जाता है। तो इसी तरह फिर ये है कि अमल साले लज़ीना आमनू व अमल सालिहात, तो उसमें कहा गया है कि जो नेक अमाल करे, लेकिन उसकी कोई तफसील नहीं बताई गई कि नेक अमाल कौन से होने चाहिए। तो इसमें आगे बताया गया कि नेक अमाल जो हैं उनमें पहली जो है इंसानी हमदर्दी होनी चाहिए और खिदमत खल्क होना चाहिए, और दूसरा उसमें इबादत नमाज और ज़कात आ गई, और तीसरी मामलात यानी तीन इसके हिस्से बनते हैं अमल साले के, कि इंसानी हमदर्दी और खिदमत खल्क, दूसरी इबादत और हुकूक अल्लाह, और तीसरी मामलात, मामलात में ईफाए अहद आ जाता है। और उसके बाद फिर आगे उसमें है कि लज़ीना आमनू वअमिल सालिहात व तवासव बिल हक़ व तवासव बिस सब्र, सब्र पर बात ख़त्म होती है। तो इस आयत में भी आखिर में सब्र का तज़किरा आता है, और वहाँ सिर्फ सब्र का लफ्ज़ था जबकि यहाँ सब्र के ये भी बता दिए गए कि उसके कौन कौन से मौके हैं जिन पर सब्र की ज़्यादा अहमियत है। तो फ़िक्र फाका की कैफियत में, तकालीफ और मुसाइब की सूरत में, और जंग की हालत में। तो इसी तरह ये है कि जिस तरह हमने पिछले दरस में जो बात की वो ये यही था कि नेकी का जो तसव्वुर है हर फर्द ये है कि अपने आप को किसी न किसी तरह मुतमईन करने की कोशिश करता है, यानी जो बिर का जो लफ्ज़ है, बिर के लफ्ज़ पर भी बहस कुछ हद तक हम पिछले दरस में हुई भी, और जो इसमें जो डॉक्टर सार साहब जो बात करते हैं वो कहते हैं कि बिर का मतलब जो है कि इंसान के वो अमाल
जो ऐसे कल्बी सुकून अता करते हैं और ज़मीर की खर्च को मिटाते हैं और तस्कीन बातनी का मूजिब होते हैं। तो इससे मुराद ये है कि ऐसी उसकी वो मिसाल देते हैं कि इसी ये बिर से ही जो लफ्ज़ बर है वो भी निकला है, खुश्की जिसको कहा जाता है। तो वो उसकी कहते हैं कि जिस तरह एक इंसान अगर समुंदर में सफ़र कर रहा होता है तो वो वहाँ पर एक ख़तरे की हालत में होता है कि मैं कहीं डूब ना जाऊँ, और जैसे ही वो खुश्की पे आता है तो एक अमन और सुकून की कैफियत महसूस करता है। तो ये दरअसल इनका मादा इन दोनों अल्फाज का एक ही है। तो वो इस पे भी बहस करते हैं कि हर इंसान जो है वो नेकी की किसी तसव्वुर को ज़रूर इख्तियार करता है, यानी अपने ज़मीर को मुतमईन करने की कोशिश करता है, हत्ता कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा बुराइयों में मुबतला होते हैं तो वो भी किसी कुछ ना कुछ नेकियां करते हैं, कहते हैं कि जी हम तो वो तो हमारी मजबूरी है, लेकिन हम ये काम उसके साथ करते हैं, दिल को मुतमईन करते हैं। इसी तरह वो एक मिसाल ये देते हैं कि नेकी का जो तसव्वुर है वो महदूद हो जाता है कुछ लोगों के अंदर, और या फिर ये है कि नेकी कुछ आमाल जो होते हैं वो उनको ज़्यादा अहमियत देने लग जाता है और कुछ को कम। तो वो कहते मिसाल एक देते हैं कि जिस तरह बहुत सारे कारोबारी हजरात होते हैं और नमाज रोज़े के बड़े पाबंद होते हैं और उलमा की खिदमत भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो टैक्स बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, तो अपने आप को वो मुतमईन कर लेते हैं कि जिस तरह। और इसी तरह कुछ लोग नमाज रोज़े पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन जो लोगों के साथ उनके मामलात होते हैं उसमें वो कोई ज़्यादा नहीं होते, मुखलिस नहीं होते लोगों के साथ, लोगों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं होता। और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं हुकूक़ुल इबाद पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, जिस तरह एक मशहूर है एक जगह किसी ने वो आमतौर पर व्हाट्सएप पे लोग शेयर करते रहते हैं कि दुनिया का मुख्तसर तरीन खुतबा ये है कि किसी पत्नी किसी बंदे ने कहा कि किसी गरीब की मदद कर देना, किसी को भूख में खाना खुला देना आधार मस्जिदों से बेहतर है, मस्जिद बनाने से बेहतर है। तो मतलब एक नेकी का मुकाबला दूसरे से करते हैं, और हालांकि दोनों ही नेकियां हैं और दोनों का अपन नेकियों का अपन में तकाबल नहीं करना चाहिए कि ये नेकी जो है ये करें और ये ना करें, अरे वो भी करनी चाहिए, मस्जिद भी बनानी चाहिए और भूखों को खाना भी खिलाना चाहिए दोनों। तो वो कुछ लोग उसके तसव्वुर को महदूद करने की कोशिश करते हैं, एक तबका ये है कि वो हुकूक़ुल इबाद पर जोर देते हैं और कहते हैं जी बस ये नमाज़ की कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। तो ये वो उस पर फिर बात करते हैं कि लोगों के अंदर जो है वो ज़ाहरी कैफियत जब हो जाती है, लोग जब ज़वाहिर की अहमियत बहुत हो जाती है और असल रूह पर तवज्जो कम हो जाती है तो फिर ये कैफियत होती है उसमें। तो नेकी हकीकत में तो यही है कि अल्लाह ताला के सारे अहकाम पर हमने अमल करना है और उसका इल्म भी हासिल करना है और उस पर अमल भी करना है। अगर हमारा इल्म नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि हमें पता ही नहीं होगा कि हमने करना क्या है। तो इसलिए मुसलसल ये अमल है कि अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मुसलसल हमने पढ़ते चले जाना है। इसके साथ अमली सूरत जो है वो तफसीर जो है उसकी सहाबा को के ज़िंदगी को ज़रूर वो भी हमें पढ़ना चाहिए कि अमलन जो उस इन कुरान और सुन्नत की तालीमात के नतीजे में जो लोग दुनिया के अंदर जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी तो वो कैसे थे। तो ये तो मुसलसल अमल है, हमें उसको इख्तियार करते रहना चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो फिर ये है कि एक रूह ना उसके अंदर मौजूद रहे और ज़ाहिर जो है वो उस पर हम बहुत ज़्यादा जोर देने लग जाएं, तो फिर उसी की ये तरदीद जो है इस आयत के अंदर की गई है। तो इसमें हमने पिछले जो दरस था उसमें ईमान बिल्ला की बात हुई है कि ईमान से इस आयत का आगाज़ होता है और ईमान ही असल में कुव्वत मुहर्रका है, अगले जो अमाल आते हैं तो इसलिए तरतीब के लिहाज से उनमें पहले ईमान को रखा गया कि जो आगे जितने भी अमाल हैं उनमें असल जो जो बुनियाद है वो अल्लाह पर ईमान होना चाहिए। यानी ये जो अगले जितने उनमें अमाल हैं, कई लोग वो काम करते भी हैं कि जो किसी को खाना खुलाना, रिश्तेदारों की मदद करना, लेकिन अगर उसके पीछे अल्लाह पर ईमान और अल्लाह की खुशनुदी नहीं है तो फिर जो है वो उसकी भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो इसलिए अल्लाह पर ईमान से उसका आगाज़ किया गया, जिस तरह सूरतुल फातिहा के अंदर भी इसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, फिर अर्रहमान अर्रहीम फिर उसकी बात की गई वह रहमान अर्रहीम है, और फिर मालिक यौमिद्दीन भी है तो उसके सामने जो जवाबदेह भी होना है, तो वो भी दरहकीकत ये इसी तरतीब के साथ बात हो रही है। तो हमें नेक अमाल इसलिए करने चाहिए कि अल्लाह ताला पर हमारा ईमान है और अल्लाह जो है वो अल्लाह इससे राज़ी होगा। फिर
योम आखरत पे बात हुई है पिछली दफ़ा, मलाइका पर ईमान की बात हुई है और किताब और वन नबीजीन की बात हुई है। आखिरी जो था इसमें जिस पर हम पिछला दरस ख़त्म हुआ वो नबीजीन के हवाले से था। तो नबीजीन सारे नबियों पर ईमान लाजमी है और उसमें कामल जो सीरत जिस हस्ती के मौजूद है वो आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उन पर ईमान, पिछले अंबिया पर भी ईमान हमारा है लेकिन उनकी सीरत और उनकी जो तालीमात हैं वो अल्लाह ताला ने उनको महफूज नहीं किया। आखिरी नबी की किताब को भी महफूज किया, उनकी सीरत को भी महफूज किया। तो इस पे भी बहस करते हुए जो डॉक्टर शाह साहब ने जो लिखा वो कहते हैं कि ये ईमान का जो अख्ताम है नबी जीन पर किया गया तो वो इसलिए कि एक मॉडल ताकि हमारे सामने आ जाए कि अगर नेकी करनी है तो फिर नेकी के सिलसिले में हमारे सामने मॉडल आ जाए कि नेकी एक जज्बा है और जज्बात तो अंधे होते हैं, किसी सूरत कोई भी सूरत इख्तियार कर सकते हैं और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई ना हो और उन हमारे सामने एक रोल मॉडल ना हो मौजूद हो तो फिर ये किसी वक्त भी ये जज्बा जो है अद्दे अतदाल से तजावज़ भी कर सकता है और नतीजतन ये होता है कि नेकी से बदी जहूर में आ जाती है। और उसमें एक मिसाल जो है वो दी गई कि जो एक दफ़ा तीन सहाबा अजवाज मुतहरात की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात के बारे में पूछने लगे तो अजवाज मुतहरात ने कोई मुबालगा नहीं किया, जो जो बात थी सही सही वो बात बता दी। तो उन सहाबा ने वो आपस में गुफ्तगू करने लग गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है और किसी खता कौन से सुदूर नहीं होता तो इसलिए आपको तो नफली इबादत की इतनी ज़रूरत नहीं है तो हमारे लिए ये काफ़ी नहीं है। तो एक ने कहा कि मैं अब सारी रात नफल पढ़ा करूँगा, मैं उसमें कोई लागा नहीं करूँगा, सोऊँगा नहीं। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोज़ा रखा करूँगा, नफली रोज़े पूरा साल रखूँगा। और तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि ये अल्लाह से ताल्लुक में रुकावट पैदा होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने उनको उस पर नाराज़ हुए और फिर उनको बुलाया और फरमाया कि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ लेकिन मैं रात को सोता भी हूँ और नफली नमाज भी अदा करता हूँ, मैं नफली रोज़े रखता भी हूँ और नागा भी करता हूँ और मैंने शादियाँ भी की हुई हैं। और फिर उस मौके पर नबी करीम सल्लम ने फरमाया कि फमन रगे बहन सुन्नति फलैसा मिन्नी, कि जो मेरी सुन्नत से एराज करे तो वो हम में से नहीं है। कि उस पर लिखते हैं कि कान खोल कर सुन लो कि किसी का अमल चाहे कितनी नेकी के जज्बे के तहत हो लेकिन जिसने मेरी सुन्नत और मेरे तरीके को छोड़ दिया और इसके बरक्स रवैया इख्तियार की तो जान रखो कि इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उस्वा हसना के तौर पर, उस्वा कामल के तौर पर, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर लिया जाए तो तभी जो अगले जो अमाल जिनका हम तस्करा करते हैं तो उनके अंदर जो है वो एतदाल और सही रास्ते पर हम रह सकेंगे, उसको एक कसवटी के तौर पर रखें, वरना यही सूरत होती है। अलामा इकबाल ने जो उनकी जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जो किताब है उसमें एक स्पिरिट ऑफ मुस्लिम कल्चर के हवाले से एक लेक्चर है तो वो उसका आगाज़ इससे करते हैं कि अब्दुल कद्दूस गंगोई एक सूफ़ी थे तो उन्होंने कहा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो वो वापस आ गए और मैं अगर जाता तो मैं वापस ना आता। तो वो फिर इकबाल इस पर बहस करते हैं, कहते हैं कि एक देखें एक सूफ़ी और नबी के अंदर यही फ़र्क होता है कि सूफ़ी जो है वो अपनी ज़ात के लिए सोचता है और अल्लाह की मोहब्बत में वो कहता है कि बस ठीक है मैं अल्लाह के पास ठहर जाऊँ, लेकिन नबी ने वापस आना होता है और उसमें इंग्लिश के अल्फाज हैं कि ही हैज़ टू कंस्ट्रक्ट सोशल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडेंस फ्राम द अल्लाह। उन्होंने यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकाम मिले हैं तो उसकी बुनियाद पर एक माशरे की तामीर करनी होती है नबी ने, तो उनका ये काम होता है सोशल स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो वो यही है कि एक नेकी की अगर सही उसका रुख दुरुस्त ना हो, नबी करीम सल्लम को हम उसको यसना को ना अपनाएं, उनको रोल मॉडल के तौर पर ना लें तो नेकी जो है वो बजात खुद वो कहीं दूसरी तरफ रुख इख्तियार कर लेगी। अब जो अगला हिस्सा उसका बनता है उसको हम इन्फाक के मैनों में लाते हैं कि इसमें जो पिछला हमारा दर्श था उसके दौरान डॉक्टर मुनव्वर अज़ीज़ साहब ने कहा कि जो सूरतुल बकरा की
इब्तदाई हयात हैं उनकी भी तरतीब तकरीबन इससे मिलती जुलती है कि उसके अंदर भी यही है कि पहले ईमान का तज़किरा है, उसके बाद इन्फाक का तज़किरा है और नमाज का तज़किरा, तो वो सारी उसमें आता है। तो इस तरह कुरान की इदार है कि एक आयत दूसरी आयत की तशरीह भी करती है, उसको सपोर्ट भी करती है, और बहुत सारी मज़ीद आयात भी होंगी अगर आपके नम में हो तो उसकी निशानदेही कर सकते हैं। तो अब यह है कि इन्फाक के हवाले से कि ईमान के बाद फौरन बाद ये कहा गया कि वो अपना माल देते हैं उसकी मोहब्बत पर, किसको देते हैं, करीबी रिश्तेदारों को, ज़बिल कुर्बा और यतीमों को और मसाकीन को और मुसाफिर को और साइलिन को और गर्दनों के छुड़ाने में, ये सारे जो हैं उसके कह दिया गया उसके जो हैं कि जिन पर सर्फ करना है उनका तज़किरा कर लिया गया। तो इंसानी हमदर्दी जो है वो उसको वो एक पहचान है एक मुसलमान की। जिस तरह हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल होती है और वो एक गम की कैफियत में, घबराहट की कैफियत में वो आते हैं, ज़ाहिर है कि एक बहुत मुश्किल तजर्बा था, तो जब वापस वो घर आते हैं तो उस घबराए हुए होते हैं, उसमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने जो उनकी तसल्ली देती हैं तो उसमें तहारफ़ उनका यही करवाती हैं कि आपको अल्लाह ताला तबाह नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा, कि इसलिए आप रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करते हैं, नादारों और मोहताजों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, इस तरह यानी उनकी वो सिफात के बयान की उन्होंने। तो कुछ इसमें जो सीरत के हवाले से लोग बात करने वाले हैं और उन्होंने कहा कि ये एक तारफ़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि क्या तारफ़ है, एक वो तारफ़ ये है और एक वो कहते हैं कि जाफर तैयार ने जो नजाशी के दरबार में पेश किया, तो एक तारफ़ वो है, उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही खसूसियात जो हैं उसके अंदर बयान की गई कि उसमें नमाजों का तज़किरा भी है, बाकी इबादात का भी है, लेकिन साथ ये भी बताते हैं जाफर तैयार कि हम पहले जो है लोगों के हकूक़ नहीं अदा करते थे, लोगों के साथ ये सलूक करते थे, अब ये करते हैं। तो इसी तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का जो गवाही है वो कहते हैं कि ये घर की गवाही है कि जब जिसकी बीवी जो हैं जिन्होंने उनके साथ इतना वक्त गुजारा हो तो वो ये गवाही दे रही हैं कि उनके अंदर ये अच्छी सिफात हैं। तो ये एक पहला तहरफ था जो कराया गया। तो इसीलिए इसमें भी ये है कि बताया गया कि वो लोग उनके अंदर इंसानी हमदर्दी होती है, इंसानों की हमदर्दी और मोहब्बत होती है और खिदमत खल्क का वो जज्बा रखते हैं, और अपनी जो उनकी कमाई है माल जो है उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया होता है और बड़ा मरहूब भी होता है, उनको महबूब भी होता है, और उसके बावजूद वो दूसरे इंसानों की तकालीफ को रफ़ा करने में उसको सर्व करते हैं। और तो ये खासियत है, जिस तरह पिछले दर्स के अंदर भी बात आई है जो चौथे पारे की पहली आयत है कि लन तनाल बिर्र हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तो ये बिल्कुल उसके साथ मिल रही है आयत कि तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि तुम खर्च न करो जो कुछ तुम पसंद करते हो, जो चीज़ यानी महबूब हो वो अल्लाह के रास्ते में तुम खर्च करनी चाहिए। तो अगर किसी फर्द के अंदर ये जज्बा नहीं है तो ज़ाहिर है कि वो नेक नहीं होगा। इसके हवाले से बहुत सारी आयात और अहादीस इसका उनका तज़किरा किया जा सकता है। मसलन एक हदीस मेरे जहन में आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन अफराद ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह ताला जिनसे कोई बात नहीं करेगा, जिनको पाक नहीं करेगा और उनको दर्दनाक अज़ाब होगा। तो तीनों अफराद ये हैं कि उनके अंदर कोई हमदर्दी नहीं पाई जाती। मसलन एक तो वो फ़र्द है कि जो सफ़र के दौरान सफ़र कर रहा है उसके पास फालतू पानी है लेकिन वो दूसरे बंदे को नहीं देता, तो यानी ये खुदगर्ज इंसान है। इसी तरह वो दूसरा ये फरमाया गया कि असर के वक़्त वो अपना माल लाता है बाज़ार में और कसम खाता है, कहता है कि मुझे सुबह इसकी ये कीमत मिल रही थी, मतलब ज़ाहिर ये करता है कि मैं अब ये असर का वक्त है तो मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ। इस तरह लोग कहते हैं अमून बाज़ार में कि तो मतलब वो सच नहीं बोल रहा, वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए इस तरह की कसम उठा रहा है और फिर और वो लोग उससे उसकी बात पर यकीन करके ख़रीद लेते हैं। तो यानी वो भी एक हमदर्दी के बजाय दूसरों इंसानों से खुदगर्जी की बुनियाद पर एक मामला कर रहा होता है। और तीसरा वो फ़र्द के जिसे वो किसी हुक्मरान से ताल्लुक़ रखता है दुनिया की खातर,
और अगर वो उससे राज़ी उससे उसको कुछ दे तो उससे राज़ी रहता है, और अगर वो ना दे तो उससे वो नाराज़ हो जाता है। तो ये भी एक यानी हुक्मरान से ताल्लुक दीन की खातिर नहीं रखता, होना तो ये चाहिए कि उसका ताल्लुक हुक्मरान से ये हो कि वो अल्लाह का हुक्म का जब तक पाबंद रहे तो उसके साथ तआवुन करे, और अगर ना रहे तो उसकी मुखालफत करे, लेकिन वो दुनिया की खातिर उससे ताल्लुक रखता है। तो ये भी एक तीनों ही दरकीकत खुदगर्ज अफराद हैं। इसी तरह सूरतुल्लैल के अंदर आता है कि उसमें दो तरह के इंसानों की मिसालें दी गई हैं, इन्ना सायुकुम लशत्ता, कि तुम्हारी सही और जहद के नताइज बड़े मुख्तलिफ होते हैं, यानी तुम जो काम करते हो या उनके नताइज हैं दोनों मुख्तलिफ हैं। तो दो फिर मॉडल्स पेश किए गए, यानी वो लोग के जो एक तो वो लोग जो कामयाब लोग हैं जो अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, तो उनकी पहली सिफत बताएगी कि फअम्मा मन आता, कि जो देते हैं लोगों को, और दूसरा जो वो लोग के जो अल्लाह के नापसंदीदा लोग हैं वअम्मा मन बखिला, कि जिसने बुख़ल किया जो अपने माल को वो उसमें खर्च न किया लोगों पर। तो ये ऐसी तरह और बहुत सारी जगहों पर सूरतुल बलद के अंदर आता है कि जो मोमिन होते हैं वो अपने माल को खर्च करते हैं किसी कर्तन को गुलामी से छुड़ाने के लिए, फक को रकबा, या फाके के दिन किसी यतीम या खाक नशीन मस्किन को खाना खिलाते हैं, ये भी उनकी सिफत बयान की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर आता है कि जो जो शख्स दिल की नरमी से महरूम रहा वो खैर से महरूम हो गया। इसी तरह ये है कि अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो अल्लाह इंसानों पर रहम नहीं फरमाता। फिर एक हदीस का तज़किरा इस पर यहाँ पर ज़रूरी होगा कि जिसमें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि ऐ इंसान मैं बीमार हुआ और तूने मेरी तीमारदारी नहीं की, मेरी इबादत नहीं की, तो वो बंदा कहेगा कि अल्लाह ताला आप तो परवरदिगार हैं, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, तो आप कैसे बीमार हो सकते हैं। तो अल्लाह फरमाएगा कि मेरा फलां बंदा बीमार हुआ था और तूने उसकी तीमारदारी नहीं की, क्या तू नहीं जानता कि उसकी अगर तीमारदारी करता तो मुझे उसके पास पाता। इसी तरह फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने तुझसे खाना मांगा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, और फिर वही वो जवाब देगा, और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा फलां बंदे ने तुझसे खाना मांगा था, अगर तू उसे खाना खुलाता तो वो तो मुझे वहाँ पाता। इसी तरह पानी के बारे में की गई कि फलां शख्स को तुम पानी पिलाते तो फिर मुझे वहाँ पाते। तो मतलब ये है कि उस इन बातों से मकसूद यही बनता है कि इंसानियत की खिदमत जो है वो अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है, नेकी का एक आम और जो है वो जज्ब है। फिर इसमें यह है कि अब तरतीब बता दी गई कि माल खर्च करना है तो किस किस पर खर्च करना है। एक तो करीबी अजीज़ों पर ख़र्च करना है जो रिश्तेदार हैं, सबसे पहले वालदैन उसके अंदर आते हैं, जो करीबी लोग हैं उन पर हैं, यतीम हैं, यतीमों के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी अहमियत बयान की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम का जो सरपरस्त है वो क़यामत वाले दिन इस तरह होंगे, उस तरह दो उंगलियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने की और दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखा, और बहुत सारे जो है वो उसकी फजीलत बयान की गई। और फिर ये है कि मसाकीन हैं, मस्कीन जो है वो फ़र्द, इसके अंदर ये बयान किया गया कि मस्कीन वो फ़र्द है कि जो कम हिम्मत है, जिसकी हिम्मत जवाब दे गई हो, जो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पा रहा, वो इसमें आ जाता है। और फिर साहिल है जो सवाल करने वाला है वो उसमें आ जाता है। और उसके बाद फिर रिकाब गर्दनों को छुड़ाने में, इसके अंदर इसकी बहुत सारी तशरीहात हो सकती हैं। एक तो उस वक़्त में ये था कि लोग गुलामी में मुब्तला होते थे, तो जिस तरह हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को आज़ाद करा दिया अपने पैसे देकर, तो ख़रीद कर आज़ाद कर देना। और आज के दौर में उसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो बहुत सारे एक मौजूदा दौर के अंदर भी गुलामी की एक सूरत होती है, बॉन्डेड लेबर जिनको कहते हैं, कि पैसे उनसे पहले ले लेते हैं और उसके बाद उन्होंने मुतय्यन वक्त तक उन्होंने काम करना होता है लाजमी, तो वो भी इसमें आ जाते हैं कि अगर उनको कोई पैसे दे दे और उनकी जान छुड़ा दे वो हो सकता है। कर्ज किसी पर बहुत ज़्यादा है वो भी इसके अंदर आ जाता है, उसकी जान छुड़ाने में आ जाता है। तो इसकी बहुत सारी कैफियात इसकी हो सकती हैं। और उसके बाद फिर अकामत सलात और ज़कात का तज़करा है,
कि नमाज कायम करना और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। तो अकामत का लफ्ज़ वैसे तो होता है किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए होता है, यानी अगर एक चीज़ जो है वो इस तरह ये इस तरह है तो इस तरह उसको कर दें तो खड़ा हो खड़ी हो जाए तो नज़र आनी शुरू हो जाए। तो किसी अगर मन भी ऐसियत के लिए वो चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, फरीज़ा इकामत दीन एक किताब लिखी मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही ने, वो हमें पढ़नी चाहिए, उसमें यही है कि उसमें अकामत पर उन्होंने बहस की है। तो कहते हैं कि अगर अकामत किसी मन भी चीज़ के लिए हो जो नज़र ना आ रही हो तो उसका मतलब ये होता है इसका पूरे का पूरा हक अदा करना। तो उस लिहाज से उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं अकामत सलात के हवाले से। इसमें इस किताब में बहुत ज़्यादा इस पर बहस हुई है कि उन्होंने उसके बहुत सारे जो है ज़ाहरी और बातनी जो है वो उसके लवाजमात बयान किए हैं। तो उसके अंदर मस्जिद बनाना भी आ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहले जो हिजरत की तो सबसे पहले कुबा के अंदर मस्जिद बनाई, उसके बाद मदीना में आए तो उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बनाई, और मस्जिद ही फिर जो है वो सारे जितने भी सरगर्मियाँ थीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसका मरकज़ बन गई। तो वो भी आ जाती है उसके अंदर। और फिर नमाज के अरकान का सही ख्याल करना वो भी उसमें आ जाता है। फिर उसके जो जितने भी लवाजमात हैं उसके अंदर आ जाते हैं, और वक्त का ख्याल वो भी उसमें आ जाता है। ज़ाहरी अमाल उन्होंने कहा कि ज़ाहरी अमाल के अंदर नमाज का वक्त है, फिर उसके बाद लिबास के पाक होना, जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना, ये भी आ जाता है। बाजमात नमाज का हुक्म दिया गया कि मर्दों पर जमात वाजिब है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नमाज जमात छोड़ने की सिर्फ दो सूरतें हैं, बीमारी है या खौफ है, ये भी उसके अंदर आ जाता है। इस्तकबाल क़िबला भी आ जाता है। फिर किरात जो है वो तरतील के साथ ठहर ठहर कर हो वो भी आ जाती है। और फिर बातनी कैफियात आ जाती हैं कि अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी का जो एहसास है वो भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये भी है। और नमाज का जो बुनियादी मकसूद है फिर वो एक तो ये किताब दीनियात हमें ये इसका मुताला करना चाहिए, दूसरी खुतबात उसका कि नमाज की जो हकीकत है वो अब ताकि हम तक पहुंच जाए। तो नमाज की हकीकत उससे पहले वो जो हिस्सा खुतबात में है उसमें वो पहले इबादत के तसव्वुर पर वो बहस करते हैं सईद मौदूदी। तो वो कहते हैं कि इबादत जो है इबादत का तसव्वुर उसकी फिर दो तीन मिसालें वो देते हैं कि अगर एक फ़र्द जो है वो आपके सामने आके आपने मुलाजम रखा हो और एक वक्त पे मुकर्रर वक्त पे आपके सामने हाज़िरी तो दे लेकिन जो आपके अहकाम हैं उन पर अमल न करे तो ज़ाहिर है आप उसको पसंद नहीं करेंगे। तो इसी तरह ये है कि नमाज का जो बुनियादी मकसूद है वो तो ये है कि थोड़े थोड़े देर बाद अल्लाह ताला बुलाते हैं ताकि बंदगी का एहसास अपने अंदर ताज़ा करे, वो बार बार कहे अल्लाह अकबर, तो फिर उस अल्लाह अकबर की जो असरात हैं उसकी ज़िंदगी पर नज़र आने चाहिए। कि एक तो ये है कि वो अपनी ज़िंदगी जो है उसके अंदर उसके सारे अमाल के अंदर इस बात का वो एहसास मौजूद हो कि अल्लाह ही बड़ा है, मेरा नफ्स बड़ा नहीं है, कोई दूसरा इंसान बड़ा नहीं है, माशरे के रसूम व रवाज बड़े नहीं हैं, बल्कि अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है और वो सबसे ज़्यादा अहम है। इसी तरह बार बार वो कहता है अय्या का नाबुद व अय्या का नस्तईन, तो ये अल्लाह से वो अहद कर रहा होता है हकीकत में। और है भी यही बात कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने इस सूरत फातिहा को तीन हिस्सों में तकसीम किया है, यानी अपने और अपने बंदे के दरमियान। तो पहला हिस्सा तो वो है जो उसमें अल्लाह की तारीफ़ है, दूसरा हिस्सा तीसरे हिस्से में वो कुछ अल्लाह से मांगता है, और ये जो दरमियान वाली आयत है या कनाबुद व या कनस्तैन, ये दर हकीकत अहद है, अल्लाह ताला से अपना अहद करता है कोई बंदा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जब ये कोई बंदा कहता है तो क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे और मेरे दरमियान एक माहिदा हो गया है, अब जो वो मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो फिर वो एदिन सिरात अल मुस्तकीम मांगता है। तो ये अहद जो है वो बार बार जब करता है नमाज के अंदर तो फिर उसके अंदर ये एहसास होना चाहिए कि मैं वाकई अल्लाह का बंदा हूँ, बंदगी कर रहा हूँ कि नहीं। और फिर बंदगी के भी ज़ाहिर दो ऐसे आ जाते हैं, एक तो जिस तरह हमारे आइन के अंदर है कि इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सफ़ीर, इनफरादी अमाल जो वो ख़ुद कर सकता है, और दूसरे इज्तमाई जो है वो माशरा पूरे का पूरा वो उसके अंदर बंदगी नाफज होनी चाहिए, तो उसको भी वो
यानी पूरे जो ज़िंदगी का निज़ाम है उसको बंदगी के मुताबिक इस्तवार करने की उसे कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरा फिर ज़कात की बात की गई, तो ज़कात तो जो फ़र्ज़ है वो तो हमें पता है कि वो एक ख़ास मत जब तक माल मौजूद हो, एक साल गुजर जाए और एक ख़ास निसाब हो तो हमने अदा करना होता है। लेकिन ज़कात ही का जो तस्करा किया गया उसका मतलब सिर्फ ज़कात के अलावा ये है कि यानी उसकी कैफियत ये हो कि वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता रहे। इस पर मिसाल दी गई कि जिस तरह है कि होती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मिसाल दी उन्होंने कि अगर जिस तरह एक फर्द जो है वो खड़ा होता है, जब कोई भी चीज़ खड़ी होती है तो उसको हरकत में लाने के लिए ज़्यादा कुव्वत दरकार होती है, लेकिन जब वो चलना शुरू हो जाए तो फिर थोड़ी सी भी उसको कुव्वत लगाएं तो वो आगे चल उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो ज़कात हकीकत में ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च, अल्लाह ने फ़र्ज तो थोड़ा सा किया है लेकिन रूह जो है उसके अंदर रहनी चाहिए कि वो अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे। तो बहुत सारी आयात जो हैं वो उसके हवाले से आई हैं। और उसके बाद फिर अहद का तस्करा हुआ कि वो लोग अहद करते हैं, और अहद जो है वो माशरे के अंदर बहुत सारे हैं। एक तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बजाते खुद एक अहद है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो तुम्हारी ज़िंदगी सारी उसकी इस अहद के अंदर आनी चाहिए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को हमने अल्लाह का रसूल माना तो फिर उनकी ज़िंदगी पर अमल करना चाहिए, और बाकी जो है वो सारी ज़िंदगी एक अहद बनती है तो उस पर अमल, जितने भी ये मुलाजमत है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके मुताबिक उस पर करना चाहिए। शादी ये भी एक अहद है, तो अहद को जो फ़र्द हैं वो पूरा करते हैं, यानी ये उनके अंदर ये सिफ्त जो है नेकी के अंदर, नेक फ़र्द के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद सब्र की बात की गई, जो इसका जिस तरह सूरत अल-असर के अंदर है इसके अंदर भी, तो सब्र की जो वसीतर जो तारीफ़ है वो तो आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर तो सब्र सिर्फ ये है कि किसी मुसीबत के अंदर जो है वो हम कहते हैं कि जब कोई मर जाए, हमारे कोई अजीज़ फौत हो जाए या इस तरह कोई तकलीफ़ आ जाए तो हम कहते हैं कि सब्र इस मौके पर करें। लेकिन अरबी में जो सब्र का मफहूम बड़ा वसी है, इसमें मौलाना अमीन असलाई की बात है कि कहते हैं कि नफ्स को घबराहट, मायूसी और दिल छिकनी से बचा कर अपने मौक़ पर जमाए रखने का नाम सब्र है। इसी तरह सैयद मौदूदी लिखते हैं कि अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को दबाना, अल्लाह की हदूद की पाबंदी करना, अल्लाह के आयद किए हुए फ़राइज़ पर अमल करना, अल्लाह की रजा के लिए अपना माल, वक्त, तवानाई, कुव्वतें, हत्ता के जान तक कुर्बान कर देना, लालच और तरगीब को ठुकरा देना और ख़तरा और तकलीफ़ को बर्दाश्त करना। इसी तरह सैयद कुतुब शहीद लिखते हैं कि सब्र वो ज़ातेरा है जो हर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए नागुज़ीर है। तो मतलब ये है कि कोई भी लालच और कोई भी खौफ हमें अल्लाह की इताअत से ना हटा पाए, इसको हम सब्र कहेंगे। लफ्जी मतलब तो उसका रोकना होता है, और इस्तिलाही मफहूम ये होगा कि कोई भी खौफ या लालच जो है वो हमें अल्लाह की इताअत से ना हटा पाए। तो इसके अंदर बहुत सारे फिर आगे पहलू आ जाते हैं, मसलन ये है कि सब्र के मुख्तलिफ मफहूमात जो बयान किए, एक तो ये है कि मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना। अब ये होता है कि आम तौर पर ये है कि लोग सब्र का दामन कई दफ़ा छूट भी जाता है कि आदमी जब अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करता है तो कोई नतायज बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते, तो आदमी तो इसमें भी जो है वो सब्र के साथ उसे सुकून के साथ अपना वक्त अपना काम करते चला जाना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। जिस तरह आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं जमा इस्लामी के हवाले से कहते हैं कि जितने अरसे से वो काम कर रही है और दूसरी पार्टियां जो हैं वो बाद में बनी हैं और उनको हुकूमत मिल गई, ये हो गया। लेकिन उसके जो है वो सैयद मौदूदी के जो अल्फाज हैं जो जमात के अकाबरीन के हैं तो वो यही हैं कि हमने अपना काम करना है, आगे नतायज तो अल्लाह के ज़िम्मे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल तक जद्दोजहद की और बहुत थोड़े से लोग उनके साथ आए, इसी तरह और कई अम्बिया हैं। तो असल मकसद ये है कि ये भी सब्र के अंदर आता है, सुकून करार पकड़ना, मुश्किलात का मुकाबला करना, अफो दरगुजर से काम लेना, साबित कदमी दिखाना, जब्त नफ्स इख्तियार करना, फ़राइज़ की अदायगी पर डट जाना, ये सारे उसके अंदर आ जाते हैं, सब्र के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर उसकी बहरहाल
ये तीन मौके बयान किए गए, सख्ती में और वज़र्रा तकलीफ में, वहीन अलबास जंग में। जंग में अब सब्र की कैफियत क्या होगी कि हमने मुश्किलात पेश आएंगी, उसमें ज़ख्म पेश आएंगे, उसके बावजूद जो है वो अपने डटा रहना वहाँ पर, तो ये कैफियत होगी सब्र की। यानी अब एक हदीस में ये भी आता है कि अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है कि जो लोगों के साथ मिलजुल के रहता है और उनसे पैदा आने वाली मुश्किलात पर सब्र करता है, और बजाय इसके कि वो आदमी के जो लोगों से अलग थलग रहता है। तो ये दीन का एक कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है कि दीगर माशरों के अंदर आमतौर पर ये होता है कि राहबाना तसव्वुर आ जाता है कि वो आदमी नेक है, अच्छा आदमी है, जो किसी जगह गार में चला जाता है या लोगों से कट के रह जाता है और इलादा जो है वो कोई दुनिया के काम नहीं करता, तो उसको कहते हैं कि सब्र वो बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन इस्लाम में जो सब्र का कंसेप्ट ये है कि लोगों के अंदर रहना है, लोगों के काम करने हैं और माशरे के अंदर रहना है, और उसके बावजूद जो मुश्किल पेश आएंगी, ज़ाहिर है कि जब दो अफराद के दरमियान ताल्लुक होगा तो एक जैसे उनकी मिजाज मिलता नहीं होगा, तो उस हालत में भी सब्र करना और अपने आप को लोगों के अंदर रखना, ये भी उसके अंदर आ जाता है। तो इसमें भी हीन अलबास की बात है कि जंग की हालत में जो है वो भी सब्र की कैफियत। और ये फरमाया गया कि अब आखिरी जुमला आ जाता है कि उलाइकल्लज़ीन सदकू, यही वो लोग हैं कि जिन्होंने रास्तबाज लोग हैं, यानी सच्चे लोग हैं यही लोग, कि इन्होंने जो है वो अल्लाह के साथ जो अपना अहद है उसको सच्चा कर दिखाया। वह उलाइकुमुल मुत्तकून, और यही तक्वा इख्तियार करने वाले हैं। यानी इसमें यहाँ पर फिर बात वही है कि जो सूरतुल बकरा की पहली आयत है उसके अंदर आ जाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल्लिल मुत्तकीन, उसमें तक्वा का लफ्ज़ पहले आता है और उसके बाद मुत्तकीन की खसूसियात आ जाती हैं, और मुत्तकीन की खसूसियात में पहला ईमान बिलगैब आ जाता है। यहाँ पर पहले ईमान की बात और फिर उन अफ़ाल की बात आई है, और आखिर में फिर बात आई है मुत्तकून के, वो ये लोग तक्वा वाले हैं। तो तक्वा का लफ्ज़ी मतलब तो ये होता है कि बचना, और जो इस तरह ही मतलब ये है कि अल्लाह के नाराज़ करने वाले कामों से बचना। तो हर वो अमल, जिस तरह एक दुआ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर औक़ात करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन अव अमलिन व अऊज़ु बिका मिन नारि वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन अव अमलिन। यानी अल्लाह में जन्नत का सवाल करता हूँ और हर उस कौल अमल का सवाल करता हूँ कि जो मुझे जन्नत के करीब लेके जाने वाला हो, और अल्लाह में आग से, जहन्नम की आग से पनाह मांगता हूँ, और हर उस कौल अमल से पनाह मांगता हूँ कि जो मुझे जहन्नम की तरफ लेके जाने वाला हो। तो ये कैफियत हमारे अंदर अगर मौजूद रहे, ये दुआ भी हम करते रहा करें कि तो ये तकवा होगा कि हर वो कौल और अमल के जो जहन्नम की तरफ लेके जाने वाला है, जब उससे हम बचेंगे तो दरहकीकत यही तकवा होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तरफ।